Good morning, welcome. Recently, Union Minister of Forest, Environment and Climate, Sri Bhupender Yadav has announced that three new Ramsar sites shall be added into the list of Ramsar site of India. भारत में इन तीनों को ऐड करने के बाद रामसर साइट्स की संख्या अब 85 हो गई है और दिस इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक फॉर द एस्पायरेंट ऑफ यूपीएससी. अब इस पर बहुत सारे प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है और वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द डायमेंशंस दैट इन्वॉल्व दिस टॉपिक. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रामसर साइट्स कौन कौन से ऐड किए हुए हैं और उसके बाद हम लोग बाकी के फीचर्स को वन बाय वन कवर करेंगे. देखो, तमिलनाडु के दो रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है. इसमें पहला नंज नारायण बर्ड सेंचुरी है और दूसरा काजुवेली बर्ड सेंचुरी है. इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ रामसर साइट इन तमिलनाडु है इंक्रीज होते हैं और अब ये 18 हो गए हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक मैनमेड रिजर्वोयर है, तवा रिजर्वोयर, इसे भी ऐड किया गया और मध्य प्रदेश भी अब रामसर साइट से बहुत अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है. ओवरऑल भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में ही दिखाई पड़ते हैं. अब 85 रामसर साइट्स के साथ दुनिया में अगर भारत का स्थान देखें तो बहुत ऊपर आता है विश्व में. हालांकि सबसे ज्यादा रामसर साइट आज ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में दिखाई पड़ते हैं, जहां टोटल 175 है, जबकि मैक्सिको 142 रामसर साइट्स के साथ दूसरे स्थान पर है. भारत 85 रामसर साइट्स के साथ दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में लीड कर रहा है और हम प्रथम स्थान पर स्थित हैं. देखो, रामसर साइट जहां तक है तो ये संदर्भित करता है, इट इंडिकेट्स अ सैलो वाटर बॉडी, छिछला पानी भरा हुआ जगह. ऐसे जगहों पर साल के कुछ महीने या पूरे साल पानी मौजूद हो सकता है. ऐसे वाटर्स बहुत सारे नेटिव स्पेसीज, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स सपोर्ट करते हैं, नेचुरल हैबिटेट के रूप में ये डेवलप होते हैं. जब कभी बाढ़ आती है या नदियों में ज्यादा पानी आता है, ऐसे वाटर बॉडी इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे हमारे फ्लड पर भी कंट्रोल आता है. कई बार बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इनसे छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, इसीलिए इनको कई बार किडनी ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है. ऐसे इंपोर्टेंट प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले कोई कन्वेंशन नहीं था. 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है जिसे रामसर संधि कहा जाता है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक कमिटमेंट किया कि हम लोग ऐसे वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करेंगे. तो जो आर्द्र भूमियां, वेटलैंड है, इसी आधार पर रामसर भूमियां भी कही जाती है. हम लोग देखते हैं कि कैसे भारत के वेटलैंड्स अब आगे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे काजुवेली बर्ड सेंचुरी को. देखो, काजुवेली बर्ड सेंचुरी इस काइंड ऑफ ब्रैकिस वाटर लेक. ब्रैकिस वाटर लेक एक ऐसे लेक को बताता है जहां पर फ्रेश वाटर भी आ रहा है और सेलाइन वाटर भी वहां तक पहुंच रहा है. मीनवाइल यहां मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर विद सेलाइन वाटर कंटिन्यू होता रहता है, जिससे इसमें सेलिनिटी फ्रेश वाटर से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन सेलाइन वाटर से थोड़ा कम होता है. इसका लोकेशन अगर आइडेंटिफाई करें तो इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ पांडिचेरी इन तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में ही ये लोकेटेड है. अभी देखो, इस पर एक थ्रेट आ गया था अर्लियर. गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड अ चेक डैम. इस तरीके से इस पर एक डैम बनाया गया जिससे वाटर सप्लाई हिंडर हुआ और पर्यावरणविद थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको प्रोटेक्ट किया जाए. तो गवर्नमेंट ने भी इसको आगे प्रपोज किया और फाइनली इसको एक वेटलैंड साइट का दर्जा, स्टेटस मिल जाता है. दूसरा जो हमारा साइट है ये भी तमिलनाडु में है, नंज नारायण बर्ड सेंचुरी. तो ये तमिलनाडु के कुछ इंटरनल पार्ट में हिंटरलैंड में दिखाई पड़ता है, ईस्ट टू नीलगिरी एंड अन्नामलाई रेंज. यहां देखो, ये जो पूरा वाटर बॉडी है ये रेन फेड है. जब कभी रेनफॉल होता है तो छोटे छोटे गड्ढों में वो कलेक्ट होता है और इससे धीरे धीरे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया. लोकल एम्पायर रूलर यहां पे नंज नारायण हुआ करते थे एंड नंज नारायण डिक्लेयर्ड दिस प्रोटेक्टेड एरिया और इन्होंने इसको रीस्टोर किया. उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स यहां पे आए, उन्होंने अपना हैबिटेट यहां पे डेवलप किया. तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नंज नारायण बहुत अधिक वाइटल है, सिग्निफिकेंट है. यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज हैं
for example, goose, pelican, gobbler and even hirony. तो ऐसे स्पीशीज के साथ ये काफी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी सामने आता है. जबकि जो हमारा तवा है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये एक मैनमेड रिजर्वोयर है. देखो तवा मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल रिवर नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है और तवा के वाटर का यूज करने के लिए इसी पर एक तवा रिजर्वोयर प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी इवन ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन जैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने सामने रखा. ओवर द टाइम ये पूरा एरिया एक हैबिटेट के रूप में डेवलप हुआ और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे नेटिव स्पेसीज आते हैं और कुल मिला के अपना टाइम स्पेंड करते हैं. तो आज इसका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है. तो ऐसे जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस वाले प्लेसेस हैं उसको अब गवर्नमेंट रामसर लिस्ट में शामिल करवाकर और अधिक प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम कर रही है. तो यही तीन साइट्स जो हैं वो हमारे न्यू साइट्स में ऐड हुए हैं. अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि भारत के सबसे बड़े रामसर साइट या वेटलैंड का नाम क्या है.